न्याय ना मिलता देख पीड़िता ने खटखटाया उच्च अधिकारियों का दरवाजा। आखिर कहां गया योगी सरकार का महिला सशक्तिकरण? क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं को न्याय? पीड़ित महिला थक हार कर आखिर उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने पर हुई मजबूर। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां पर बताते चले कि मामला जनपद गोंडा के थाना कटरा बाजार के ग्राम पंचायत परसोना सुकलनपुरवा का मामला है, जहां पर पीड़ित ने अपने ससुर तथा जेठ पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ससुर तथा जेठ द्वारा हम पर अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा न करने पर मेरे ससुर द्वारा मुझे तथा मेरे पति को अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया तथा रहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर मैं कहां जाऊं? पति बाहर रहकर मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़िता ने भी बताया कि मेरे ससुर द्वारा मेरे भाई तथा जो मेरे सहयोगी हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिया जा रहा है। हमारे सगे भाई पर हमसे अवैध संबंध के लांछन लगाया जा रहा है। ससुर तथा जेठ के प्रताड़न सहते सहते अब तंग आ चुकी हूँ, जिसकी सूचना संबंधित थाना कटरा बाजार को दिया गया। कटरा बाजार पुलिस द्वारा मौके पर जाकर दोनों पार्टी का आपसी सुलह करवा दिया। सुलह में मेरे ससुर द्वारा 40 किलो राशन तथा हिस्से का 1/5 संपत्ति देने का वादा किया, परंतु दोबारा फिर मेरे साथ ससुर तथा जेठ मारपीट की गई तथा मेरे सगे भाई व जो हमारी मदद करते थे, उनको षड्यंत्र रचकर फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। पीड़ित ने बताया कि हम थक हार कर पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी दर्द बताने आई हूँ। अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि जांच करवाकर उचित कार्यवाही कराई जाएगी। परसोना सुकलपुरा थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा। आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय के आई हैं, क्या मामला है जी? हमारे पास ये मामला है कि जेठ ससुर हमारे सब मारते पीटते थे, उसके बाद मुझसे गलत संबंध बनाने की कोशिश करते। कौन थे? ससुर आपके? जेठ हमारे और ससुर सब लोग। अच्छा, अगर मैं गलत संबंध नहीं बनाई उसके बाद तो मुझे फिर मारते पीटते थे। एप्लीकेशन देती थी थाने पर, अगर वहाँ जाती थी तो सुलह हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनाती हूँ तो कहते हैं कि तुमको जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये चीज़ आपने स्थानीय थाना पे नहीं गए शिकायत करने? जी गए थे, मगर वहाँ सुलह हो जाता है, अगर वहाँ कहते हैं यहाँ कुछ नहीं करते। ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी है? ये जेठ हमारे संतोष विजय ने और शिव कुमार ने मारा है सर। कब की घटना है ये? 21 तारीख का है सर। आज आप कप्तान साहब की आई हैं, एप्लीकेशन दी, कप्तान साहब ने क्या बताया? जी कप्तान साहब ने कहा है कि न्याय होगी। बता न्याय होगी जी। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर।